राजस्थान के अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र के बिलेटा पाठन गांव की डुंगरियों में चमकीला पत्थर मिलने के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इनमें चांदी हो सकती है। हालांकि रसायन शास्त्री डॉक्टर रामनंद यादव ने इस बात का दावा किया है कि इसमें चांदी है, लेकिन चांदी होने की पुख्ता जानकारी जियोलॉजिकल विशेषज्ञों की टीम ही दे सकती है। बताया जा रहा है कि खबरों के आने के बाद पहाड़ी पर पुलिस बल तैनात की जा चुकी है ताकि उस पहाड़ी से कोई खुदाई ना करे, क्योंकि मकान बनाने के लिए ग्रामीण इस पहाड़ी से पहले ही पत्थर ले जा चुके थे। रसायन शास्त्री ने बताया कि जब इन पत्थरों की लैब में जांच करवाई गई तो उसमें चांदी के साथ साथ लेड जैसी कीमती धातु होने के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने बताया कि गांव में चमकीले पत्थर की जानकारी उनके छात्रों ने दी और उसी आधार पर पहुंचे थे वो, और वहां के सैंपल लेकर आए। सैंपल की जाँच अलवर जिले के भिवाड़ी और उदयपुर लैब में कराई गई। उदयपुर की रिपोर्ट आ चुकी है जहाँ चांदी की मात्रा बताई जा रही है, जबकि भिवाड़ी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। गांव वालों ने बताया कि ये पत्थर आम पत्थरों से कई गुना भारी हैं, लेकिन इनकी चमक सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि रात को भी ये पत्थर चमक के कारण अलग ही दिखते हैं। जानकारी के अनुसार पत्थर में चांदी सहित कई कीमती धातु होने के कारण अब तक यहाँ पहाड़ पर ट्रैक्टर जाने बंद हो गए हैं। प्रोफेसर ने आगे बताया कि उन्होंने करीब महीने भर पहले ही इन पत्थरों के कुछ सैंपल लैब में भिजवाए थे। लैब से जांच में उन्होंने 82% लेड मिला, वहीं इसमें 80% चांदी भी मिली। इसके बाद उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को सूचना दी। खनिज अभियंता राजेंद्र सिंह ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे की टीम का विलेटा पाटन गांव पहुंचेगी। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।